एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग का हॉबी हमें खुशियां देती है, हमें जिज्ञासु बनाती है। एंड इसके लिए जानकारी सिर्फ 3 मिनट में मयूरदेव क्लिप्स में आप देख सकोगे, तो देखो। गोल्डफिश के बहुत सारे वैरायटीज हैं, ओके, ब्लैक मोर, रेड कैप, ओरंडा, रांचो, रुइंकिन, कॉमेट, लायन हेड, ये सब मैन मेड क्रिएशंस है, अलग अलग वैरायटीज का, एंड सब सुंदर है। याद रखो, बहुत डेलिकेट है, इनको फास्ट फिश के साथ मत रखना। अगर शार्क या इवन गोल्डफिश में एक वैरायटी आता है कॉमेट करके, कॉमन गोल्डफिश या कॉमेट, लंबा रहता है, वो फास्ट मूविंग है, ये वाले स्लो मूविंग है, तो साथ में मत रखना। दे विल फाइट फॉर फूड। फास्ट मूविंग वाले ज्यादा खाना खा लेंगे, स्लो मूविंग वालों को मिलेगा नहीं। ओके, तो ये बेसिक टिप्स है, ठीक है। एक गोल्डफिश को ज्यादा दिन या सालों जिंदा रखने का टिप्स। ओके, अगर आपको दिख रहा है कि कोई गोल्डफिश बोल में रख रहा है, तो प्लीज उनको जानकारी दीजिए। ओके, गोल्डफिश बहुत सुंदर फिश है। हाँ, चाइनीज ने बनाया, लेकिन डोंट वरी, हाँ, बैन वैन मत करना प्लीज। अभी इंडिया में ही ब्रीड होता है, ये सब इंडियन है, देसी, ठीक है। कलकत्ता में, चेन्नई में, केरला में, हर जगह ब्रीडिंग सेंटर्स है। गोल्डफिश बहुत सुंदर इंडिया में ब्रीड होके आते हैं, मस्त फिश है। बिगिनर्स के लिए बेस्ट फिश है। बच्चे स्टार्टिंग अगर एक्वेरियम हॉबी में गोल्डफिश दिलाओ, तो सीखने को, मजा लेने को बहुत इंटरेस्ट आता है उनको भी, आगे हॉबी बढ़ाने का इंटरेस्ट आता है, कुछ बहुत एक्टिव है, पास आते हैं, खेलते हैं, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, गोल्डफिश को बहुत सारे लोग ट्रिक्स भी सिखाते हैं, ठीक है, रिंग में अंदर जाना, खेलना, ये सब पॉसिबल है, काफी सारे वीडियोस वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, तो ये था गोल्डफिश के बारे में सिंपल संक्षेप में बेसिक एक आइडिया, हाउ टू कीप योर गोल्डफिश लिविंग फॉर मेनी इयर्स। आई बिलीव ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस हैं हमारे इस चैनल में, सो देखो, जानकारी लो, जिज्ञासा अपना पूरी करो, एंड ऑफकोर्स एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग हॉबी का पूरा पूरा मजा लो। ओके, थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शबा खैर एंड सत श्री अकाल, बाय बाय।